आप जैसे लोग जो कि ट्रेनिंग देते हैं देश के लिए काम करते हैं, अपने शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस करते हैं और इस एक्सरसाइज के दौरान बहुत सारी इंजरीज होती है, ट्रेनिंग में इंजरीज होती है और उस दर्द के साथ ही आप लोग अपना कार्य करते हैं। लेकिन जिस हिसाब से हम लोग यहाँ पे अपना फिजियोथेरेपी सेंटर डेवलप किए हैं उसमें हम लोगों का पहला मोटो ये था कि आपको पेन फ्री करना, आपको दर्द से मुक्ति दिलाना। उसके तहत हम लोगों ने आज 7 महीने से अपनी टीम के साथ मिलकर और आपकी सेवा दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि हम लोग आपकी थोड़ा सा भी आपके जीवन में आपके साथ खड़ा होकर आपको एक दर्द नामक जो पीड़ा कहते हैं ना उससे मुक्ति दिला है। और आपको ये पता है कि जब इंसान का दिमाग अगर फिट नहीं रहता है तो आपको किसी दायरे में मन नहीं रहेगा, किसी दायरे में मन नहीं रहेगा तो आप अच्छे से अपना वर्क नहीं कर पाएंगे। और एक दर्द एक ऐसा चीज है ना जो आपको हमेशा हर आपको परेशान करता है। तो इसी के तहत हम लोग आज के लिए एक ऐसा डे चुने हैं जो कि साल में एक बार आता है, 8 सितंबर और 28 सितंबर है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा वीक हमारे लिए फिजियोथेरेपी वीक हो रहा है और हम लोग फिजियोथेरेपी डे मना रहे हैं। आपको बताने के लिए कि वही कॉन्फिगरेशन फिजियोथेरेपी एक ऐसा संगठन है जो दुनिया की सभी फिजियोथेरेपिस्ट का प्रतिनिधित्व करता है। इस संगठन की स्थापना 1 सितंबर 1954 को की गई। इसके बाद 1 सितंबर 1996 को विभिन्न फिजियोथेरेपी दिवस की घोषणा की गई। विश्व में फिजियोथेरेपी को भी लाने का एक कल्पना किया गया था कि भाई फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाए। तो 1996 में 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस की घोषणा की गई। तब से विश्व फिजियोथेरेपी दिवस को सभी लोग बेहद उत्साह के साथ मनाते हैं। इंसान को मानसिक रूप से स्वस्थ होने के साथ साथ शारीरिक रूप से भी स्वस्थ और फिट रहना बहुत जरूरी है, जिस वजह से अधिकतर डॉक्टर्स आज के टाइम में फिजियोथेरेपी की सलाह देते हैं। फिजियोथेरेपी कराने से शरीर को कई तरह से लाभ मिलते हैं, जैसे कमर दर्द हो, पीठ दर्द हो, घुटना का दर्द हो, एंगली का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, किसी भी तरह का कोई भी जॉइंट्स पे की समस्या हो, इसमें फिजियोथेरेपी बहुत ही लाभकारी होती है। आपको बता दें कि फिजियोथेरेपी हमारे जीवन से जुड़ा है, महत्वपूर्ण पहलू है जिसके करने से व्यक्ति स्वस्थ और फिट रहता है। हालांकि अभी बहुत लोग इसके फायदे से अनजान है, जिस वजह से हर साल इसी डेट पे हम लोग वेट फिजियोथेरेपी डे मनाते और लोगों को अवेयर करते हैं। हर साल फिजियोथेरेपी डे पे कोई ना कोई थीम होता है, मतलब कभी किसी थीम पे होता है। इस साल 2023 में हम लोग का जो फिजियोथेरेपी थीम है आर्थराइटिस, जिसको गठिया बोलते हैं। आप सब गठिया के बारे में जानते होंगे, आपके घर में आपके मम्मी पापा आपके जो भी सीनियर सिटीजन आपके घर में है उनको गठिया की समस्या होती ही होती है। गठिया की अलग अलग तरह का होता है, जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि आपको ब्लड के अंदर कोई कमी हो गई तो उसके तहत आपके शरीर में जकड़न आने लगेगा, जॉइंट्स पेन की समस्या होने लगी। हर हर जो जब आप सुबह उठेंगे तो आपको लगेगा कि आपका शरीर पकड़ रहा है, दर्द हो रहा है, ऐंठन हो रहा है। तो दैट्स कॉल्ड रिमेटॉइड आर्थराइटिस। एक आर्थराइटिस होता है डिजनरेटिव आर्थराइटिस जो कि एजिंग फैक्टर में होता है, जैसे घुटने का पिसना, हिप जॉइंट्स जो कमर की हड्डियों का पिसना, आपके कंधों का पिसना, ये सब डिजनरेटिव सिंड्रोम में आता है। मतलब उम्र के हिसाब से होगा, 50-60 के बाद आप देखते होंगे कि आपके घर में जो लोग भी सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग हैं, उनके घुटनों में दर्द आता है। आपसे भी कहते होंगे आपके मम्मी पापा कि बेटा हमारा घुटना दर्द कर रहा है, इसका कोई उपाय बताओ। तो आप क्या करते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां से दवा खिलाते हैं। जब तक वो दवा खाते हैं तब तक उनको आराम मिलता है। जैसे ही वो खत्म हुआ दर्द दवा का जो असर हुआ फिर से दर्द करता है, तो उस दौरान अब क्या करना है कि फिजियोथेरेपी की सलाह लेनी, क्योंकि फिजियोथेरेपी आपको जड़ से खत्म करने की विधि है। कोई भी बीमारी खासकर जॉइंट्स पेन की समस्या हो उसको जड़ से वो खत्म करता है। उसके लिए बहुत सारे एक्सरसाइजेस होते हैं जो आपको करना है। कुछ चीजें ऐसी होती है
अंदर जो मॉडर्न फिजियोथेरेपी में आ गया है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोथेरेपी बोलते हैं, जिसमें टेन्स, अल्ट्रासोनिक, शॉर्टवेव डायथेरेपी, शॉर्टवेव डायथेरेपी, लेजर, बहुत सारे भी डिफरेंट जो इक्विपमेंट है हम लोग यहाँ पे सेंटर में ला रहे हैं। कुछ जो लोग आप फिजियोथेरेपी कराते होंगे आपको भी पता होगा कि कुछ इक्विपमेंट ऑलरेडी हमारे इंस्टॉल हो चुकी है और आपको भी फायदा होगा। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस प्रोफेशन में मेरे को 15 साल हो गए, मैं अपने तरीके से हजारों नहीं करोड़ों लाखों लोगों को मैंने ठीक कर रखा है। यहाँ से लेके इंडियन क्रिकेट टीम के मैक्सिमम प्लेयर हैं जो मुझे मेरे को डायरेक्ट मेरे पास फोन आता रहा होगा, उनसे बातें होती है, चाहे आपकी कोहली हो, विराट कोहली हो, जो भी मेरे सोशल मीडिया पे है उनको देख वो देखते होंगे जरूर कि मैं हर लोगों से मिलता हूँ। बॉलीवुड के मैक्सिमम स्टार जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे हॉस्पिटल पटना में जो साइन अप किया है वहाँ गोविंद से लेके जिनको भी आप जानते हैं, अरबाज खान हो, सुरेश ओबराय का जो अपना बेटा है, बहुत सारे लोग हैं, सुनील शेट्टी, सारे सुनील शेट्टी एक बार तो रियासी में भी आए थे, बहुत पहले तो यहाँ पे होंगे उनको पता होगा। तो इस तरह से हर कोई आज के टाइम में चाहे सेलिब्रिटी हो चाहे नया मतलब एक गाँव का आदमी हो, धीरे 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 उसको लगता है कि फिजियोथेरेपी का अहम रोल है हमारे समाज में, हमारे जीवन में, तो इसका बढ़ावा देना है। आप सब लोग दर्द की गोलियों से दूर रहे हैं, ये मेरा एक बहुमूल्य सजेशन है आप सभी को, क्योंकि पेन किलर आपके किडनी को, आपके लीवर को, सारे चीजों को डैमेज करता है। और अभी का टाइम